सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रवा केसरी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे लंच बॉक्स में बच्चे लोग को दे सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। खाने में तो साथ साथ टेस्टी है ही और हेल्दी भी है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रवा केसरी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन कर देंगे और उसके बाद हम पैन चढ़ाएंगे। आप चाहे तो कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं। पैन को हम गर्म होने देंगे। पैन जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी। हलवा बना रहे हैं तो देसी घी में ही बनाइए, बहुत ही यम्मी लगते हैं। और घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे और घी जैसे ही मेल्ट होगा हम गैस को मीडियम कर देंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़े से काजू और किशमिश डाल देंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को हम थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो किशमिश भी देखिए फूल चुके हैं और काजू भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो सारे काजू किशमिश को हमने निकाल लिया है और इसी घी में हम 1 कप रवा डालेंगे, जिसे हम सूजी भी बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर मोटी वाली सूजी का यूज किया है। आप चाहे तो बारीक भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे भी आप हलवा बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप सूजी को डाल दिया है और इसे हम मीडियम गैस पर ही भून लेंगे, जब तक कि सूजी में से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सूजी हमारे परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये अच्छे से भून भी चुकी है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हमने गैस को ऑफ कर दिया है और सूजी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। फिर से हम उसी पैन को अच्छे से धो करके पोंछ करके और गैस ऑन करके चढ़ा देंगे। और पैन में हम डालेंगे 3 कप पानी। जिस कप से हमने सूजी डाला है उसी कप से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ हमने 3 कप पानी डाल दिया है। अब पानी में हम बॉयल आने का इंतजार करेंगे। तो जैसे ही पानी गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो ऐसे भी हलवा बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हलवे का कलर है वो केसरी केसरी लगता है। तो ऑरेंज फूड कलर हमने डाल दिया है और साथ ही हमने 2 चम्मच गर्म पानी में 8 से 10 केसर के धागे को भी डाल दिया था फूलने लिए। और अब हम पानी में थोड़े से घी डालेंगे। करीब 2 चम्मच हमने इसमें घी डाला है और घी को हम अच्छे से पिघलने देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि घी अच्छे से मेल्ट हो गया है और पानी में भी बॉईल आ गया है। अब हम इसमें जो भुनी हुई सूजी है वो डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि सूजी डालते ही जो पानी है वो सूखने लगा है, सूजी ने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसी तरह से धीमी आंच पर इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो सूजी का सारा पानी सूख चुका है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो जिस कप से हमने सूजी लिया था उसी कप से हम इसमें 2 कप चीनी ऐड करेंगे। यहाँ हमने चीनी डाल दिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलवे में। देख सकते हैं कि चीनी डालते ही हलवे का जो टेक्सचर है वो गीला गीला हो गया है। तो इसे हम फिर से थोड़ी देर के लिए सुखा लेते हैं। तो जैसे ही चीनी सूखेगा हम इसमें डाल देते हैं केसर के धागे और केसर के धागे को डाल करके इसे हम हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केसर के धागे डालने से कलर तो अच्छा आता ही है, साथ साथ इसमें खुशबू भी आ जाती है और हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब हम इसे धीमी आंच पर 2 मिनट तक कुक करेंगे। हलवे को हमने 2 मिनट तक कुक कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं कि हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। अब हम इसमें थोड़े से घी और ऐड कर देंगे ताकि हलवा है वो अच्छे से दानेदार लगे। और यहाँ हमने ड्राई फ्रूट जो पहले से भून के रखा था वो भी इसमें हम डाल देते हैं। यहाँ हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट को बचा लिया है और ड्राई फ्रूट को हम अच्छे से हलवे में मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बिल्कुल हलवा परफेक्ट तैयार है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हलवा जैसे ही ठंडा होगा हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हलवा हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। यहाँ हमने एक बाउल में इसे निकाल लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे।
देख सकते हैं कि कितने यम्मी हलवा बनकर के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.